जय हिंद साथियों, मैं वरुण राज सिंह करोलबाग से, मैं अभी राजघाट से बोल रहा हूँ। यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पे जो स्वाति मालीवाल जी ने अनशन में बैठे हैं, क्योंकि छः उन्होंने अनशन इसलिए रखा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर जो कठुआ में हुआ बच्ची के साथ, 8 साल की बच्ची के साथ, 8 दिन के लिए जो उसके साथ बर्बरता हुई, उसके अगेंस्ट स्वाति माधवान जी ने यहाँ पर आज जो अनशन रखा हुआ है, भूख हड़ताल रखी हुई है। आज मैं वहाँ पर ही था और स्वाति जी का जो स्वास्थ्य है बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी आज, और उन्होंने जो ये जो लड़ाई शुरू की है बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, 6 महीने के अंदर अंदर आरोपियों को फांसी दी जाए, बिल्कुल जेन्युइन है, होनी भी चाहिए। जो उन अपराधियों ने किया वो कोई मतलब माफ़ करने वाली तो छोड़ ही दो, उनको तो सजाए मौत मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी तक दामिनी केस में जो आरोपी आरोप जिनका तय हो गया है, सब कुछ हो गया है, उनको अगर अभी तक फांसी नहीं दी गई तो ये जो आशिफा है इसके आरोपियों को कब तक फांसी होगी, कब ये गुनहगार साबित होंगे, कब इनको सज़ा मिलेगी, कब इनको फांसी दी जाएगी, उसका कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो स्वाति जी ने आज यहाँ पे अनशन का, मेरे ख्याल 4th दिन है जो इन्होंने सहयोग किया है, जो मतलब ये जो कर रहे हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए, बहुत ज़्यादा दूसरों मतलब सेक्रीफाइसिंग है ये उनके, मतलब जो वो कर रही हैं। तो हम एक ही आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ, उनका साथ दें, उनका उनकी ताकत बन के आएँ, ताकि इस लड़ाई को हम जारी रखें और जो भी दोषी हो उसको 6 महीने के अंदर अंदर सज़ा दी जाए और उनको मतलब फांसी दी जाए। सज़ा क्या दी जाए, फांसी दी जाए, और उनके एक पूरे देश को एक मैसेज मिले कि जो ये काम करेगा या सोचेगा भी, उसकी भी रूह कांप जाए कि इसका कोई भी मतलब कोई भी माफ़ी नहीं है और ना मिलेगी और ना मिल सकती है। तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के लिए आएँ, हम अपने लिए आएँ, अपने देश के लिए आएँ, हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं इसीलिए आएँ, बच्चियों को बहुत प्यार करते हैं। 8 साल की बच्ची मासूम सी होती क्या है, छोटा सा बच्चा होता है वो तो, और इन्होंने जो आरोपी हैं इनका पता नहीं दिल भी कैसे किया ये सब कुछ करने का, इतना घिनौना काम जो इन्होंने किया है वो निंदनीय है। और आइए हम साथ स्वाति जी का साथ दें और आशिफा को जल्द से जल्द जस्टिस मिले, इंसाफ मिले, उसके लिए लड़ाई में हम स्वाति जी का साथ दें और बस यहाँ पर आके उनका बल बढ़ाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए। बस यही चाहता हूँ कि सारे मिलके इस लड़ाई को हम जीतेंगे और जीतेंगे और जीतेंगे। जय हिंद।